हमारा प्रदेश दादरा नगर हवेली दमन दीव, प्रदेश के सारे जनता को मैं शुभकामनाएं देता हूं। और हम सब जानते हैं कि होली का जो त्यौहार है वो भाईचारे का है, खुशियों का है और शांति का प्रतीक है। तो मैं चाहता हूं कि हमारा प्रदेश दादरा नगर हवेली दमन दीव लोग बहुत अच्छे से खुशी से यह पर्व मनाएं, भाईचारे से मनाएं, खुशियों से मनाएं और शांति बनाए रखें, ये मैं चाहता हूँ। और वैसे भी हमारे प्रदेश के लोग इस त्यौहार पे बरसों से भाईचारे की तरह मनाते हैं और इस साल भी मनाएंगे। और प्रदेश के सांसद होने के नाते इतना ही कहना चाहता हूँ कि इस प्रदेश का भविष्य उज्जवल बना रहे, इसका प्रदेश में समस्या का हल हो, विकास की ओर ये प्रदेश बढ़े, ऐसा काम आगे के दिनों में हम मिलजुल कर करेंगे, ये मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ। और फिर एक बार इस खुशी वाला जो पर्व है हमारा होली का, उस पर्व में सारे प्रदेश की जनता को, हमारे लोगों को, सारे भाई बहनों को शुभकामनाएं देता हूँ। पुरातन काल से होली का त्यौहार हम मनाते आ रहे हैं और ये हमारी भारतीय संस्कृति है। होली के पीछे एक ही मकसद है, अगर आप एक दूसरे को मिलते हैं, आपके अंदर कोई मतभेद भी है तो उसको भुला के सब एक होके पूरे देश के विकास में अपना योगदान देने की एक कृति होती है। तो आज के अवसर पर आपके द्वारा मैं प्रदेश की जनता को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। दादरा नगर हवेली दीव और दमन की सभी भाइयों बहनों को होली की बहुत बहुत शुभकामना। ये होली का दिन पवित्र दिन होता है और हमारे प्रदेश में रहने वाले हर परिवार को मेरी एक विनती है कि आज तक हम भाईचारे से रहते आए हैं, भाईचारे बना के रखिए, आपसी दोस्ती बनाइए, चाहे कोई भी परिवार हो, सब परिवार हमारा सदस्य है, सभी परिवार की खुशहाली, सबको सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, अपने बच्चे को पढ़ाई करवा के आगे बढ़ाए। और आज देश का माहौल जो चल रहा है, इस माहौल को ध्यान में रख के हमारे प्रदेश में हम सभी की जिम्मेदारी है कि एक दूसरे से भाईचारा बनाए रखें, प्रदेश के लिए कुछ काम करेंगे तो हमारा देश आगे बढ़ सकता है और अवश्य आगे बढ़ेगा। तो आप सबको मेरी एक ही विनती है कि सब एक दूसरे से मिलजुल के आपसी जो भी दुश्मनी है वो भुला के होली के रंग में रंग जाए, ऐसी मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी मेरे प्रदेशवासियों को होली की शुभकामना। और मेरे प्रदेशवासियों के मैं विनंती करना चाहता हूँ कि पानी और कलर का कम इस्तेमाल करें और जिससे अपने को प्रदूषण भी नहीं होएगा और पानी का नुकसान भी नहीं होगा। ये सबको मैं विनंती करता हूँ, आपका ये त्यौहार अच्छी तरह जावे, ऐसी मेरी मनोकामना। होली का त्यौहार रंगों का और भाईचारे का त्यौहार है। मेरी सारे प्रदेशवासियों से और सारे देशवासियों से होली के लिए बहुत बहुत शुभेच्छा देता हूँ और सभी से यही गुजारिश करता हूँ कि होली के त्यौहारों को जैसे अलग अलग रंग एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, वैसे ही आप सभी लोग एक दूसरे से मिलजुल के भाईचारा बना के बहुत ही हर्षोल्लास से यह होली का त्यौहार मनाएं। बहुत बहुत बधाई हो आप सभी को। आज होली का दिन है तो तमाम जनता को दादरा पंचायत से हम लोग बोलते हैं कि हर एक परिवार को दुख दर्द आज होली में होमाए और आरती कल से धुलेती है तो उसमें रंगों से हर एक परिवार में खुशियाँ आए, ऐसा हम लोग
प्रदेशवासियों को शुभकामना देते हैं। ये शुभकामना देता हूँ कि सबका होली अच्छी तरह मनाए, अच्छी जाए, और धुलेटी का पावन पर्व है वो भी सबका खूब अच्छा जाए, ऐसा मेरे पूरा दादरा पंचायत पटेलाद में और पूरा दादरा नगर प्रदेशवासियों को मेरी ओर से शुभकामना।